Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I am going to take up a lesson of English from 7th standard, unit 4, 4.4, Home Sweet Home, which is written by John Howard Payne. John Howard Payne एक American actor, poet, playwright and author है, जिन्होंने करीब करीब 20 साल थिएटर में काम किया है. उन्होंने अपना करियर जो है पूरा थिएटर में बिताया है और बहुत सक्सेस मिला है उनको लंदन में. और आज जो उनको याद किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पोयम की वजह से, होम स्वीट होम. ये एक्चुअली पोयम नहीं है, ये एक सॉन्ग है जो उन्होंने 1822 में लिखा था और इसी गाने की वजह से, इसी सॉन्ग की वजह से वो बहुत फेमस हुए थे. तो जॉन हॉवर्ड पेन ने बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही सही ढंग से होम के बारे में, घर के बारे में यहाँ पे बताया है कि किस तरह से हमें हमारा घर इतना प्यारा लगता है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी ऐशो आराम के बीच में रहे, लेकिन घर जैसा सुकून हमें कहीं नहीं मिलेगा. तो इसी पोयम के जरिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. इस पोयम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो मैं आपको इस पोयम के एक्सप्लेनेशन के बाद में इसी वीडियो में दूंगी, तो वहां से आप इसके नोट्स ले सकते हैं इसी वीडियो से. और साथ ही साथ हर एक स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हुए उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी हमेशा से आप लोगों से रही है, वो ये है कि प्लीज 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 डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल. ऑल्सो शेयर माय चैनल वीडियोज विद योर फ्रेंड्स. तो चलिए शुरू करते हैं होम स्वीट होम. मिड प्लेजर्स एंड पैलेसेस though we may roam, be it ever so humble, there is no place like home. A charm from the sky seems to hallow us there, which seek through the world is never met with elsewhere. Home, home, sweet, sweet home, there is no place like home, oh there is no place like home. बहुत ही प्यारे ढंग से ये लिखा है उन्होंने, जॉन हॉवर्ड पेन ने ये कहा है कि चाहे हम कितने भी बड़े बड़े पैलेसेस में रहे, हमें बहुत ऐशो आराम कहीं पर भी मिले. ये यहाँ पे जो मिड दिया हुआ है इसके पहले देखो एक अपोस्ट्रोफी साइन दिया गया है, इसका मतलब है ये शॉर्ट फॉर्म है ऑफ अमिड, AMID, अमिड का शॉर्ट फॉर्म है मिड. मिड प्लेजर्स दैट मीन्स कितने भी हमारे पास ऐशो आराम है ना, अगर हम ऐशो आराम के बीच में रह रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐशो आराम से भरा हुआ है, भले कुछ भी हो, हम बाहर अगर घूमने फिरने गए, ऐशो आराम से रह रहे हैं, पैलेसेस में रह रहे हैं, रोम करते वक्त, रोम करना यानी घूमना फिरना, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बी इट एवर सो हम्बल, देयर इज नो प्लेस लाइक होम. तो हमारा घर भले ही छोटा हो, उन पैलेस जितना बड़ा ना हो, इतना ऐशो आराम उसमें ना हो, लेकिन घर जैसा कोई नहीं, देयर इज नो प्लेस लाइक होम. A charm from the sky seems to hallow us there. A charm from the sky, मानो आसमान से blessings आ रही है और वो blessings हमें पूरी तरीके से purify कर रही है, holy बना रही है वहां पे. तो ये जो word है hello, hello word का meaning है to make holy, यानी किसी चीज को pure करना, किसी चीज को अपने असली स्वरूप में लाना. So a charm from the sky seems to hallow us there, यानी जब हम हमारे घर में रहते हैं तो मानो हम पूरी तरह से प्योरिटी, होली, जैसे मंदिर में रह रहे हैं बिल्कुल वैसा. हम कहते हैं ना घर ही हमारा मंदिर है, तो बिल्कुल उसी तरीके से. और मंदिर में जाना मतलब ब्लेसिंग्स, गॉड की ब्लेसिंग्स होना. तो अ चार्म फ्रॉम द स्काई सीम्स टू हेलो अस देयर, जब हम घर पे रहते हैं तो मानो स्काई भी हमें, आसमान से गॉड गॉडेसेस जो भी है, हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. Which seek through the world is never met with elsewhere. देखो यहाँ पर भी ये जो वर्ड है apostrophe में यूज किया गया है, शॉर्ट फॉर्म में यूज किया हुआ, ये एक स्टाइल है ओल्ड इंग्लिश में, इस तरह के ये स्टाइल यूज की जाती है वर्ड्स को लिखने के लिए पोएटिक मैनर में, सॉन्ग्स के लिए. तो which seek through the world is never met with elsewhere, मतलब घर में रहकर जो हमें खुशी मिलती है, जो हमें सुकून मिलता है, वो हमें दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए हमें नहीं मिलेगा. दैट इज विच सीक थ्रू द वर्ल्ड, मतलब चाहे किसी भी दुनिया में जाकर, किसी भी कोने में जाकर हम कोशिश करें पाने की, ये खुशी, ये सुकून, वो हमें
नहीं मिलेगा, इज नेवर मेट विथ एल्सवेयर, मतलब जो हमें हमारे घर में सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलेगा. होम होम स्वीट स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर इज नो प्लेस लाइक होम. तो ये जो दो लाइन है लास्ट की, ये सभी स्टैंजाज में रिपीट की गई है फॉर एम्फेसिस, एम्फेसिस देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए इस पोएम के ऊपर, इस सॉन्ग को, होम स्वीट होम, होम का इंपॉर्टेंस बताने के लिए. होम होम स्वीट स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर इज नो प्लेस लाइक होम. तो यहाँ पे हम राइमिंग वर्ड्स अगर देख लेते हैं, रोम होम और ये होम होम, ये वापस से राइमिंग वर्ड्स है. एंड देयर एंड एल्सवेयर, राइमिंग वर्ड्स हम हमेशा लास्ट में देखते हैं सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड होता है, जैसे इस फर्स्ट लाइन में रोम है, सेकेंड लाइन में होम है, रोम एंड होम मैच करते हैं, राइम करते हैं, तो ये राइमिंग वर्ड हो गए. अब देयर, देयर तो होम के साथ राइम नहीं हो रहा है, देयर हो रहा है एल्सवेयर, देयर एल्सवेयर, तो ये दो वर्ड लास्ट के राइम कर रहे हैं. फिर लास्ट में जो दो है होम होम, ये फर्स्ट टू वर्ड्स के साथ में राइम कर रहे हैं वापस से. तो फर्स्ट को हम ए लेंगे क्योंकि ये भी रोम के साथ राइम कर रहा है, उसे भी हम ए लेंगे. दूसरा है बी बी ए ए, सो ए ए बी बी ए ए, ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है. आगे बढ़ते हैं. एन एग्जाइल फ्रॉम होम स्प्लेंडर डेजल्स इन वेन, ओ गिव मी माई लोली थैश्ड कॉटेज अगेन, द बर्ड्स सिंगिंग गेली दैट कम एट माई कॉल, गिव मी देम एंड द पीस ऑफ माइंड ड्यूरर देन ऑल, होम होम स्वीट स्वीट होम, देर इज नो प्लेस लाइक होम, ओ देर इज नो प्लेस लाइक होम. तो ये लास्ट की टू लाइन्स तो रिपीट हो रहे हैं, हम ये जो स्टार्टिंग के लाइन्स है फोर लाइन्स, हम उसी के मीनिंग समझ लेते हैं. एन एग्जाइल फ्रॉम होम स्प्लेंडर डेजल्स इन वेन, एग्जाइल फ्रॉम होम मतलब ये जो पोएट है ये घर से दूर है. एग्जाइल मतलब अवे, किसी चीज से बाहर होना, किसी चीज से दूर होना. तो एन एग्जाइल फ्रॉम होम स्प्लेंडर डेजल्स, मतलब बड़े बड़े अपियरेंसेस, जो बड़े बड़े पैलेसेस है, बड़े बड़े होटल के कमरे हैं, ये सब बेकार है. मतलब घर से दूर होना ही, भले कितने ही बड़े हम जगह पे रह रहे हैं, वो सब बेकार है. डेजल्स इन वेन, ओ गिव मी माई लोली थैश्ड कॉटेज अगेन. तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि प्लीज मुझे मेरा वो छोटा सा घर, लोली थैच्ड, थैच्ड मतलब जो रूफ होता है घर की, जो छत होती है, सीलिंग होती है, वो स्पेशली स्ट्रॉ और लीव्स की बनाई हुई होती है, जिसे हम झोपड़ा भी कहते हैं, कॉटेज या हट भी हम कहते हैं. तो होम जरूरी नहीं है सीमेंट ईट का ही बना हुआ हो, वो मड ब्रिक्स स्टोन्स बैम्बू स्टिक्स इन सब का भी बनाया हुआ हो सकता है. झोपड़ा जिसे हम कहते हैं, जो नॉर्मली बैम्बू स्टिक्स एंड इनका बनाया जाता है, लीव्स का, स्ट्रॉ का. तो ये वही कह रहा है कि मुझे ये बड़े बड़े बंगले, जो बड़े बड़े पैलेसेस है, बड़े बड़े होटल रूम्स, वो सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो मेरा वही लोली थैश्ड कॉटेज. लोली थैश्ड कॉटेज मतलब कि मेरा जो छोटा सा घर है, जो जिसका रूफ जो है, सीलिंग जो है, स्ट्रॉ और लीव्स का बना हुआ है, मुझे मेरा वो कॉटेज चाहिए, बस मुझे वही दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. द बर्ड सिंगिंग गेली दैट कम एट माई कॉल, और जब मैं घर पे हूँ, वो जो मेरा घर है लोली थैश्ड कॉटेज, वहां पर जो बर्ड्स है वो भी कितने खुशी से गाने गाते हैं, और सिर्फ मेरी एक आवाज पर वो मेरे पास चले आते हैं, है ना. द बर्ड सिंगिंग गेली, गेली मीन्स हैप्पीली, दैट कम एट माई कॉल, और सिर्फ मेरी आवाज पे वो बर्ड्स आ जाते हैं उधर गाना गाने के लिए. गिव मी देम, गिव मी देम मतलब क्या बोल रहा है पोएट ये, यानी मुझे ये सारी चीजें जो मेरे घर से जुड़ी हुई है, मेरे घर के पास है, मेरे घर के अंदर है, मुझे ये सारी चीजें दे दो. और क्या कह रहे हैं, एंड द पीस ऑफ माइंड डियरर देन ऑल, मतलब ऊपर जो चीजें हैं ये तो है ही, बर्ड्स सिंगिंग बर्ड्स है, घर का जो लोली थैश्ड कॉटेज है वो उसे चाहिए, जो बर्ड्स गाना गाते हैं वो भी उसे चाहिए, और साथ ही साथ पीस ऑफ माइंड यानी सुकून, शांति, जो सिर्फ घर में रहकर ही मिल सकती है. डियरर देन ऑल, डियरर देन ऑल यानी उन सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो है सुकून, जो हमें सिर्फ घर में रहकर मिल सकता है. आप कुछ भी देख लो, आप कहीं पर भी लंबे ट्रिप पे चल जाओ, चले जाओ घूमने फिरने के लिए, अपने कजिन्स के चले जाओ, फ्रेंड्स के चले जाओ, रिलेटिव्स के चले जाओ, या फिर एक टूर के लिए चले जाओ, बहुत मजा आता है शुरू शुरू के एक दो दिन भर, चलो अच्छा है घर से दूर थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, उसके बाद में आपको आपके घर की वापस याद आने लगती है,
और थोड़े समय बाद जब आप घर पे आते हो तो आपको बड़ा सुकून मिलता है कि वाओ अच्छा हुआ फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया। तो ये है घर की इंपॉर्टेंस, घर में रहना यानी सबसे सुकून वाली जिंदगी। सो होम होम स्वीट स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर इज नो प्लेस लाइक होम। आई गेज ऑन द मून एज आई थ्रेड द ड्रियर वाइल्ड एंड फील दैट माई मदर नाउ थिंक्स ऑफ हर चाइल्ड एज शी लुक्स ऑन दैट मून फ्रॉम अवर ओन कॉटेज डोर थ्रू द वुड बाइन हुज फ्रेग्रेंस शेल चीयर मी नो मोर। होम होम स्वीट स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर इज नो प्लेस लाइक होम। तो अब ये जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो घर से दूर हूं और जब मैं जहां पर भी हूं वहां से जब मैं मून को देखता हूं, आई गेज एट द मून, यानी जब मैं मून को देखता हूं, आई ट्रेड द ड्रियर वाइल्ड, मुझे मेरे घर की बहुत याद आती है और स्पेशली मुझे मेरी मम्मी की याद आती है और मुझे ये महसूस होता है दैट माई मदर ऑल्सो थिंक्स ऑफ मी। वो भी उस वक्त कॉटेज के डोर के बाहर खड़ी होकर मून को देख रही है और मुझे याद कर रही है और मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है। नेचुरली जब हम घर से दूर होते हैं तो हमें हमारी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है, पापा से ज़्यादा मम्मी की आती है। क्यों? क्योंकि उनका बना हुआ स्वादिष्ट खाना या उनका जो प्यार है, जो सर पे हाथ घुमाते हैं, प्यार से जो सर पे हाथ घुमाते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी सेवा करती है, बीमार होते हैं तब हमें दवाइयाँ देती है, हमारे खाने पीने से लेके कपड़े लत्ते का सभी चीज़ों का ध्यान रखती हैं, तो मम्मी हमें बहुत प्यारी होती है। घर से दूर रहने पर हमें सबसे ज़्यादा मम्मी की याद आती है, तो इसीलिए पोएट भी अपने मम्मी को बड़े मिस कर रहे हैं क्योंकि ये घर से दूर रहे हुए हैं, शायद इसीलिए उन्हें इतना एक्सपीरियंस है और ये सारे एक्सपीरियंस को उन्होंने अपने इस गाने में, अपने इस सॉन्ग में समेट डाला है। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं मून को देख रहा हूँ उस जगह से और मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरी मम्मी भी अपने कॉटेज घर से, हमारे कॉटेज के घर के खिड़की दरवाजे पर बाहर खड़ी होकर मून को देख रही होगी और वो भी मेरे बारे में सोच रही होगी, अपने बच्चे के बारे में सोच रही होगी। थ्रू द वुड बाइन हुज फ्रेग्रेंस शेल चीयर मी नो मोर नो मोर। और वो कहते हैं, पोएट कहते हैं कि यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पर बहुत अच्छे खुशबूदार वुड बाइंस है। वुड बाइंस मतलब एक टाइप का क्लाइंबर है, क्रीपर हम बोल सकते हैं, बहुत ही खुशबूदार है ये वुड बाइन यहाँ पे घर के बाहर जो मेरे हैं, जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी, और इतनी अच्छी खुशबू है उसकी, लेकिन फिर भी उसकी खुशबू भी मुझे और ज़्यादा खुश नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि मैं दुखी हूँ, मैं अपने घर से दूर हूँ, तो मुझे मेरे घर जाना है। मुझे चाहे यहाँ पे कितने भी ज़्यादा प्लेजर्स दे दे, बड़े बड़े मकान कोई काम के नहीं है, ना ही ये खुशबूदार जगह कोई काम की है। सो थ्रू द वुड बाइन हुज फ्रेग्रेंस शेल चीयर मी नो मोर। तो ये जो वुड बाइन है जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी, उसकी खुशबू भी मुझे अब और रोक नहीं पाएगी, मुझे और खुश नहीं कर पाएगी। होम होम स्वीट स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर इज नो प्लेस लाइक होम। इस पैसेज में भी आप राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम्स कर सकते हो। मैंने सेकेंड पैराग्राफ में नहीं किया है, सेकेंड स्टैंजा में, मैं रीड कर लेती हूँ ऐसे ही आगे पेज स्ट्रोल किए बिना। एन एग्जाइल फ्रॉम होम स्प्लेंडर डेजल्स इन वेन, वहां पर जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वो है वेन, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है अगेन, तो वेन अगेन ये दो वर्ड राइमिंग हो रहे हैं, तो वहां पर आप ए ए लिख सकते हो उसके जगह पे। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है कॉल एंड फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ऑल, तो कॉल और ऑल राइम हो रहा है, वहां पर हम ले सकते हैं बी बी, तो ए ए वेन अगेन, ए ए कॉल ऑल बी बी, देन होम होम सी सी, क्योंकि होम किसी के साथ में भी ऊपर जो इस सेकेंड स्टैंजा में जो भी वर्ड्स है लास्ट वर्ड्स उनके साथ राइम नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ पे सी सी हो जाएगा। तो सेकेंड स्टैंजा का हमारा राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी सी सी। अब हम आते हैं थर्ड स्टैंजा में जो कि इसी पेज पर है, यहाँ पर लास्ट वर्ड है हमारा वाइल्ड चाइल्ड। फर्स्ट टू वर्ड्स, फर्स्ट टू लाइन्स के लास्ट वर्ड हमारे राइम हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते ए ए, देन डोर, डोर और चाइल्ड कहीं पर भी राइम नहीं हो रहे, इसलिए डोर को हम लेंगे बी, डोर मोर, मोर डोर के साथ राइम हो रहा है इसलिए इसको भी हम लेंगे बी, तो फर्स्ट टू हमारा हो गया ए ए बी बी एंड होम होम सी सी। हाउ स्वीट इट्स टू सिट बीनीथ अ फॉन्ड फादर्स स्माइल एंड द केयर्स ऑफ अ मदर टू सूद एंड बी ग्वाइल।
Let others delight mid new pleasures to roam, but give me, oh, give me the pleasures of home. Home, home, sweet, sweet home. There's no place like home. Oh, there's no place like home. बहुत ही प्यारा सा ये जो पार्ट है, पैसेज है, बहुत ही प्यारा सा स्टैंजा है. How sweet it is, ये जो tis यहाँ पे दिया हुआ है, it is actually, it is to sit, it is beneath, ये जो apostrophe neath है, it is का मतलब है beneath, B-E-N-E-A-T-H. So how sweet it is to sit beneath a fond father's smile, मतलब घर में जब हम रहते हैं तो अपने पापा के गोद में जब हम सोते हैं तो कितना अच्छा लगता है फादर की स्माइल देखकर. और बहुत ही प्यारी स्माइल होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल होती है, हमें बहुत प्यार करने वाली स्माइल होती है, तो बहुत ही स्वीट लगता है. एंड द केयर्स ऑफ अ मदर टू सूद एंड बिगवाइल, एंड द केयर्स ऑफ अ मदर, और जो मम्मी का जो स्पर्श होता है, प्यारा सा स्पर्श, हाथ हमारे सर के ऊपर से घुमाते हैं तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, दर्द तकलीफें दूर हो जाती है. तो घर में जब हम रहते हैं तभी हमें ये खुशियां मिल सकती है. क्या मिल सकता है? फादर के फॉन्ड स्माइल के नीचे बैठना और मम्मी के केयर भरे हाथ से सूद होना. सूद होना मतलब एकदम रिलैक्स होना. एंड बिगवाइल, बिगवाइल का मतलब यहाँ पे है चार्म. चार्म मतलब मम्मी की स्माइल इतनी अच्छी है कि हम कहीं पर भी रहो, मम्मी की स्माइल हमें घर की तरफ खींची चली लेकर आ जाती है. तो हाउ स्वीट इट इज टू सीट बिनीथ अ फॉन्ड फादर स्माइल एंड द केयर्स ऑफ अ मदर टू सूद एंड बिगवाइल. लेट अदर्स डिलाइट मिड न्यू प्लेजर्स टू रोम, दूसरे जिन लोगों को बाहर प्लेजर्स चाहिए तो रोम करें, तो करने दो उनको, वो प्लेजर्स लेने दो. बट गिव मी, ओ गिव मी द प्लेजर ऑफ होम, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा घर ही चाहिए, मेरे घर से जुड़ी मेरी खुशियां चाहिए. सो होम, होम, स्वीट स्वीट होम. देयर इज नो प्लेस लाइक होम. ओह, देयर इज नो प्लेस लाइक होम. तो अब हम यहाँ पे इसके राइमिंग वर्ड्स कर लेते हैं. फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्माइल, बिगवाइल, सेकेंड लाइन का बिगवाइल. तो स्माइल एंड बिगवाइल ए ए, देन रोम, होम, बी बी, अगेन होम है. देखो ये होम हमारे बी के साथ में राइम कर रहा है, होम होम. तो ये चारों लाइन जो है बी बी आ जाएगा. दैट इज ए ए बी 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 बी, ये हमारा राइमिंग स्कीम है इस स्टैंजा का. टू दी आई रिटर्न ओवर बर्डन विद केयर, The heart's dearest solace with smile on me there. No more from that cottage again will I roam. Be it ever so humble, there is no place like home. Home, home, sweet, sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home. John Howard Payne. तो ये बहुत ही, ये भी जो है एक बहुत ही प्यारा सा पार्ट उन्होंने यहाँ पे इस गाने में लिखा है. To thee I'll return overburdened with care. मतलब कि जब मैं पूरी तरह से थक जाऊंगा बाहर घूम फिर कर, तो मैं फाइनली घर ही आऊंगा. टू दी आई विल रिटर्न ओवर बर्डन विद केयर, मतलब पूरा थका हारा आऊंगा और घर आकर मुझे आराम मिलेगा, शांति मिलेगी. द हार्ट्स डियरेस्ट सोलेस विद स्माइल विल स्माइल ऑन मी देयर. सोलेस मतलब जब हम किसी दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, और उस वक्त जब हमें कोई तसल्ली मिलती है, कोई राहत मिलती है, कुछ आराम मिलता है, तो उस सिचुएशन के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं सोलेस. कब यूज करते हैं? जब हम बहुत ही दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, और उस वक्त हमें जो कंफर्ट देता है, हमें जो आराम देता है, जो दिलासा देता है, उस वर्ड को, उस चीज को हम बोलते हैं सोलेस. तो ये कहां पर मिलेगा हमें? हमारे घर में, होम में. द हार्ट्स डियरेस्ट सोलेस विल स्माइल ऑन मी देयर, यानी कि मेरा दिल जो है शांत या खुश कब होगा? जब मैं अपने घर में होऊंगा. तो जब मैं अपने घर में होऊंगा, मेरी सारी दुख तकलीफें दूर रहेगी मुझसे. नो मोर फ्रॉम दैट कॉटेज अगेन विल आई रोम, और एक बार जब मैं घर पहुंच गया तो मैं वहां से कहीं नहीं जाऊंगा. नो मोर फ्रॉम दैट कॉटेज अगेन विल आई रोम. बी इट एवर सो हम्बल, देयर इज नो प्लेस लाइक होम. तो चाहे मेरा घर कितना ही छोटा क्यों ना हो, मुझे घर के अलावा और कोई जगह नहीं चाहिए. कोई भी ऐसी जगह मेरे घर का, घर की पोजीशन या घर का स्थान नहीं ले सकती. होम, होम, स्वीट स्वीट होम. देयर इज नो प्लेस लाइक होम. ओ, देयर इज नो प्लेस लाइक होम. तो ये अपना हो गया है ये पोएम का एक्सप्लेनेशन. इसके राइमिंग वर्ड्स कर लेते हैं. केयर, देयर, ये हमारे राइम हो रहे हैं लास्ट टू वर्ड्स. तो ये ए ए हम ले लेंगे राइमिंग स्कीम के लिए. रोम, होम, होम, होम.
तो ये रोम होम 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 ये सारे राइम कर रहे हैं, तो ये बी ले लेंगे सारे एक साथ में, तो ए ए बी 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 बी, तो लास्ट के जो दो स्टैंजास हैं ये दोनों का राइमिंग स्कीम जो है ए ए बी 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 इस तरीके से है। छः छः लाइन के इसमें टोटल देखा जाए तो 5 स्टैंजास है, छः छः लाइन के हैं सारे। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फाइंड द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड पीसफुल फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो पीसफुल का नाउन फॉर्म हमें इसी पोएम में से निकालना है, तो पीसफुल का नाउन फॉर्म है पीस। गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड हम्बल फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। हम्बल का मतलब क्या है? सिंपल एंड ऑर्डिनरी, बहुत ही सीधा साधा। हाउ डज द पोएट ग्लोरिफाई हिज होम इन द फर्स्ट स्टैंजा। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज नो प्लेजर ऑफ पैलेस कैन बी कंपेयर टू हिज हम्बल होम। इट हैज अ चार्म ऑफ इट्स ओन दैट मेक्स एवरीथिंग होली विच कैनॉट बी फाउंड एल्सवेयर। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज होम इन द सेकेंड स्टैंजा। द पोएट रिफर्स टू हिज होम एज अ लोली थैच्ड कॉटेज इन द सेकेंड स्टैंजा। हिज होम इज डियरर टू हिम देन एनी अमाउंट ऑफ डेजलिंग स्प्लेंडर अवे फ्रॉम इट एज इट गिव्स हिम द पीस ऑफ माइंड दैट ही रिक्वायर्स। वॉट डज द पोएट मीन बाय माई लोली थैच्ड कॉटेज। By my lowly thatched cottage, the poet means that his home has a simple appearance. It is a humble dwelling. Now do as directed. Give the rhyming word for child from the extract and add one more rhyming word to it. तो child के लिए rhyming word है wild and mild. ये हमें खुद से add करना है, तो खुद से add कर दिया है. Find the adjective. A form of the word sweetness from the extract sweet. Guess the meaning of the word caress from the extract gentle touch. What makes the poet remember his mother? The poet remembers his mother when he gazes on the moon, as she might be looking at that same moon from their cottage door. What does the poet miss? The poet misses sitting beneath his fond father's smile and the loving caress of his mother. What does the poet hope for? The poet hopes that he will soon be able to return to the comfort of his home. In which professions is a person forced to stay away from his home, homeland, for a long time? Try to guess why the poet is forced to stay away from his home. A person is forced to stay away from home, homeland, due to his or her higher education, work, acting, theatre, or to serve the nation. The reason for the poet to stay away from his home could be his interest in higher studies. Have you ever stayed away from your home or parents for a long duration? Share your experience. Yes, I have stayed away from my parents for a month when I went to stay with my uncle and aunt in Nepal. Even though I was in a new country and a beautiful place, I missed my mother and father dearly. I also missed the home-cooked food on certain occasions. I missed the comfort of my own little bed and the loving touch of my mother on my forehead. Write out a few things that you would really miss about your home if you were to stay away from it for long. A few things that I would really miss if I were to stay away from home for long are my bed, my comforter, my study table, my room. So with this we complete our lesson Home Sweet Home with the along with the explanation. I have also completed the question and answers. इसी के साथ ये मेरा खत्म होता है यहाँ पे. जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस के साथ में. Till then stay safe, stay secure. Thank you.